वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज मैं आपको लेके आई हूँ हरिद्वार के एक बहुत ही फेमस मंदिर में, जो कि भारत माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की खासियत ये है कि इस मंदिर में 7 फ्लोर हैं और 7ों फ्लोर के हम दर्शन करेंगे। और हरिद्वार में इस मंदिर की बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि है, तो अगर आप हरिद्वार आ रहे हैं तो इस मंदिर को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। वैसे तो आप घर बैठे मेरे साथ इस मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका कभी हरिद्वार आना हो तो यहाँ जरूर आइएगा। इससे पहले भी मैंने मनसा देवी मंदिर और चंडी देवी मंदिर की वीडियोस आपके साथ शेयर करी हैं, अगर वो आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो आप उन्हें भी जरूर देखिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन दोनों में उसका लिंक मिल जाएगा। और हरिद्वार की मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, आपको सारे हरिद्वार के वीडियोस उसमें मिल जाएंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको कराते हैं भारत माता मंदिर के दर्शन। मंदिर में एंट्री लेते ही आपको लेफ्ट साइड पे एक शू स्टॉल दिखाई देगा, जहाँ पे आप अपने जूते चप्पल उतार सकते हैं, जिसके लिए आपको 1 रुपया पर पेयर देना होगा। ये है मंदिर की मेन एंट्री, जहाँ से हमें एंट्री करनी होगी। यहाँ पे राइट साइड पे एक टिकट काउंटर बना हुआ है, जहाँ से हमें लिफ्ट के लिए कूपन लेना होगा, जिसका चार्ज आपको 2 रुपीस पड़ेगा अगर आप लिफ्ट से जाना चाहते हैं। आप पैदल भी जा सकते हैं अगर जाना चाहें तो सीढ़ियों से। तो ये हमने एंट्री कर ली है, ये है ग्राउंड फ्लोर जहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं भारत माता के। और ये है लिफ्ट से सबसे ऊपर जाने का रास्ता, लिफ्ट आपको सबसे टॉप फ्लोर पर छोड़ेगी और वहाँ से आपको नीचे दर्शन करते हुए पैदल आना है। तो ये हम आ गए हैं सबसे टॉप फ्लोर पे। टॉप फ्लोर से व्यू इतना प्यारा है, गंगा जी का बहुत ही सुंदर व्यू है ये देखिए। तो टॉप फ्लोर है शिव मंदिर। अब हम नीचे जा रहे हैं 6th फ्लोर, जो कि है विष्णु मंदिर। चलिए देखते हैं, यहाँ पे आप विष्णु जी के सारे अवतारों की प्रतिमा को देख सकते हैं। हर एक फ्लोर से आपको गंगा जी के इतने सुंदर दर्शन होंगे कि आपका मन नहीं करेगा वहाँ से जाने का, ये देखिए। तो अब हम जा रहे हैं 5th फ्लोर पे, जो कि है शक्ति मंदिर, जहाँ पे आपको माता के सारे रूपों की प्रतिमा देखने को मिलेगी। बहुत ही सुंदर प्रतिमाएं बनी हुई हैं।
अब हम आ गए हैं फोर्थ फ्लोर पे, जहाँ पे आपको भारत के विभिन्न राज्यों की चित्रावली देखने को मिलेगी और उसके बारे में जानकारी भी दी गई है। अब हम आ गए हैं थर्ड फ्लोर पे, जो कि है संत मंदिर। यहाँ पे आपको भारत के प्राचीन और प्रसिद्ध संतों की प्रतिमा देखने को मिलेगी। शायद ये एकमात्र मंदिर ही ऐसा है जहाँ पर आपको प्राचीन संतों की प्रतिमा देखने को मिलेगी, तो यही चीज इस मंदिर को खास बनाती है। अब हम आ गए हैं सेकंड फ्लोर पे, जो कि है मातृ मंदिर। यहाँ पे आपको भारत की प्राचीन माताओं के दर्शन देखने को मिलेंगे। अब हम आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे, जिसे शूर मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आपको भारत के सारे शूरवीरों की प्रतिमा देखने को मिलेगी, जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अपना योगदान दिया था। अगर मैं बात करूं इस मंदिर की लोकेशन की, तो ये आपको हर की पौड़ी से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में पड़ेगा। वहाँ से आप ऑटो रिक्शा या ई रिक्शा ले सकते हैं और हरिद्वार रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से इसकी दूरी करीब 7 किलोमीटर है, तो इजीली आपको ऑटो रिक्शा या ई रिक्शा मिल जाएगा यहाँ तक के लिए। सब सरोवर रोड पर ये मंदिर पड़ता है। अब हम आ गए हैं वापस ग्राउंड फ्लोर पे, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने अभी तक हरिद्वार व्लॉग सीरीज़ देखी नहीं है तो उसे भी ज़रूर देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन दोनों में उसका लिंक दे दूंगी। तो अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए न्यू अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।